स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। और इस वीडियो पे हम बेसिकली बात करने वाले होस्टिंगर और यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग यार आपका ब्लू होस्ट के बारे में, दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे। एंड देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके यहाँ पे सब्सक्राइब यार यहाँ पे कर सकते हो। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होस्टिंगर को लेके, तो तीन प्लान्स आपको देखने मिल जाएंगे, एक सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा बिजनेस वेब होस्टिंग। तो ये शेयर्ड होस्टिंग का प्लान है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन प्लान आपको देखने मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ ब्लू होस्ट के शेयर्ड होस्टिंग प्लान की, तो यहाँ पे आपको एक देखने मिल जाएगा बेसिक प्लस चॉइस प्लस, और यहाँ पे हमको जो एक एक्स्ट्रा प्लान देखने मिलता है वो इसका यार प्रो। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले, पहले देखेंगे सिंगल वेब होस्टिंग पे। देखो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा, 30 GB ऑफ SSD स्टोरेज मिल जाएगा, 10,000 तक यार लिमिट झेल सकता है, एक ईमेल अकाउंट आपको मिल जाएगा, 100 GB का बैंडविड्थ मिल जाएगा, दो डेटाबेस आपको देखने मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक फ्री SSL देखने मिल जाएगा, क्लाउड फ्लेयर का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको CDN नहीं देखने मिलता क्लाउड फ्लेयर का, बट यहाँ पे अगर फ्री बोनसेस की बात करूँ तो आपको वीकली बैकअप यहाँ पे देखने मिल जाता है, मैनेज वर्डप्रेस आपको देखने मिल जाता है, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी भी मिल जाता है आपको, 24/7 सपोर्ट है एंड 99% अपटाइम देखने मिल जाता है वहाँ पे, बट आपको एक जो है डोमेन देखने नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ पे बेसिक की बात करूँ यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग को ब्लू होस्ट के, तो देखो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट देखने मिल जाएगा, 50 GB SSD स्टोरेज मिल जाएगा जो कि आपको होस्टिंग में 30 GB ही मिलता है। यहाँ पे आपको एक डोमेन भी देखने मिल जाता है जो कि यहाँ पे सिंगल वेब होस्टिंग में आपको ब्लू होस्ट में यहाँ पे देखने मिलता है एंड यहाँ पे होस्टिंगर पे आपको नहीं देखने मिलता है। ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट मिल जाएगा, 100 स्टॉक के इमेजेस मिल जाएंगे, SSL सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मालवेयर स्कैन भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको जो है बैकअप देखने नहीं मिलेगा जो कि वीकली बैकअप आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है होस्टिंगर के साथ। अगर मैं नेक्स्ट प्लान की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा इसका प्रीमियम वेब होस्टिंग, ठीक है, जो कि मैं बात करूंगा इसके बारे में। देखो जो सिंगल वेब होस्टिंग है 69 मंथ तक जा सकता है, आपके बेसिक के ऊपर है कि आप कौन सा प्लान लेते हो। एंड यहाँ पे बेसिक प्लान जो अगर ब्लू होस्ट का देखते हो 169 मंथ से स्टार्ट हो सकता है, अगर आपके ऊपर आप कितने प्लान ले, कितने यार का आप प्लान लेते हो। नेक्स्ट देखो यार प्रीमियम वेब होस्टिंग यहाँ पे जो स्टार्ट होता है 149 मंथ तक जा सकता है, आपके ये जो आप कितने ईयर का लेंगे उस पे यार डिपेंड होता है ये बेसिकली। प्लस प्लान में देखो 279 तक जा सकता है। एंड यहाँ पे अगर देखो मैं प्रीमियम वेब होस्टिंग की बात करूँ, 100 वेबसाइट मिल जाएगा, 100 GB SSD स्टोरेज मिल जाएगा, 25,000 तक झेल सकता है, फ्री ईमेल भी देखने मिल जाएगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ रहता है यहाँ पे, फ्री SSL रहता है, क्लाउड फ्लेयर का प्रोटेक्शन मिलता है, वीकली बैकअप भी देखने मिलता है एंड यहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन भी देखने मिल जाता है जो कि सिंगल वेब होस्टिंग में आपको नहीं मिलता होस्टिंगर के। मैनेज वर्डप्रेस मिल जाता है, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिल जाता है, 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी भी है, 24/7 सपोर्ट है, 99% अपटाइम है। तो इसमें देखो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अगर इसके बारे में जो इसका प्लान है यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग का ब्लू होस्ट का, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्लान में क्या मिलता है आपको, अनलिमिटेड होस्टिंग मिल जाएगा, अनलिमिटेड वेबसाइट मिल जाएगा, अनलिमिटेड जो भी स्टोरेज होता है आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सब कुछ देखने मिलता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है यहाँ पे ब्लू होस्ट का जो SEO टूल, बाकी जो प्लान आपको बेसिक में मिलते हैं आपको यहाँ पे भी देखने मिलता है। एंड मैं अगर यहाँ पे बात करूँ देखो यहाँ पे बिजनेस वेब होस्टिंग को लेके, तो यहाँ पे 279 मंथ तक जा सकता है, आपके ऊपर है, आप ड्यूरेशन के ऊपर होता है आप लेते हो तो। एंड यहाँ पे जो चॉइस प्लस है और यहाँ पे प्रो प्लान, यहाँ पे दो प्लान देखने मिलता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लान मिलता है बिजनेस वेब होस्टिंग का। एंड 100 GB वेबसाइट कहता है, यहाँ पे 200 GB तक SSD स्टोरेज मिलता है, बाकी जो भी इस पे प्लान में आपको सब मिलता है। यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर का CDN आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, एक प्लस पॉइंट है। डेली बैकअप देखने मिलता है यहाँ पे फ्री डोमेन के साथ, जो कि आपको यहाँ पे दो प्लान जो यहाँ पे वीकली बैकअप देखने मिलता है, जो कि एक अच्छा चीज़ है। बट अगर आप और नीचे आओगे देखो 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी, 24/7 सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, 99% अप टाइम यहाँ पे मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्टैगिंग टूल जो कि यहाँ पे दोनों प्लान में आपको देखने नहीं मिलता, सिंगल और प्रीमियम में, जो कि आपको बिजनेस होस्टिंग में आपको देखने मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है यार होस्टिंगर के वेब होस्टिंग का। एंड देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चॉइस का, चॉइस प्लस का, तो यहाँ पे 279 मंथ तक यहाँ पे जा सकता है, और यहाँ पे देखो अनलिमिटेड वेबसाइट होस्टिंग भी आपको मिल जाएगा, प्रो भी आप देख सकते हो थोड़ा सा हाई पड़ेगा, बट यहाँ पे देखो आपको क्या मिलने वाला है, जो भी आपको यहाँ पे सिंगल में मिल रहा था यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखो तीन चीज़ एडिशन हुआ यहाँ पे, अगर देख पाओगे तो यहाँ पे आपको डोमेन प्राइवेसी देखने मिल जाता है, डेली वेबसाइट बैकअप देखने मिल जाता है। एंड अगर मैं प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज CPU रिसोर्सेज भी यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो कि अच्छा चीज़ है अगर आप यहाँ पे देख रहे हो प्रीमियम होस्टिंग को लेके। तो यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो दो, अगर आपने सारे को देखा तो एक जो बेसिक स्टार्ट होता है 169 से यहाँ पे स्टार्ट होता है, और जब भी आप ब्लू होस्ट के लिए देखो जानते हो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
प्रीमियम वेब होस्टिंग की या होस्टिंगर को लेके। तो यहाँ पे अगर आप लेने जाते हो, जो कि मेरा प्लान भी है प्रीमियम वेब होस्टिंग, तो यहाँ पे आपको जो 12 मंथ का प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है 3000 समथिंग रुपीज़ में। आप देख सकते हो 3242 में आपको देखने मिल जाता है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, मैं थोड़ी देर बाद आपको लेके जाऊँगा यहाँ पे ब्लू होस्ट के पास भी लेके जाऊँगा, वहाँ पे भी दिखाऊँगा प्लान कैसे यहाँ पे क्या कर कैसे वर्क करता है। एंड अगर आप देखो 2048 जो भी यहाँ मंथ का लेते हो, तो देखो आपको 149 पे ये प्लान मिल सकता है पर मंथ। एंड पहले आपको यहाँ पे करना है क्रिएट अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे चूज़ करना है। अगर मैं बात करूँ ब्लू होस्ट का, तो देखो आपको जो प्लान लेना चाहिए वो लेना चाहिए यहाँ पे जो 279 का प्लान है, यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे 279 चॉइस प्लस आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बैकअप देखने मिल जाते हैं, जो कि बेसिक और प्लस पे आपको यहाँ पे बैकअप देखने नहीं मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप देखो बैकअप रखना चाहते हो तो बैकअप चाहिए होता है, और अगर आप बैकअप के थ्रू जाओगे तो देखो यार बैकअप तो चाहिए, तो आप चॉइस प्लस पे आप जा सकते हो एंड प्रो पे भी जा सकते हो, आपके ऊपर है आप कौन सा प्लान चूज़ करते हो। बट रिकमेंडेड जो भी प्लान रहता है यहाँ पे चॉइस प्लस ही रहता है। तो आपको कैसे लेना है, पहले जाना है इसको क्लिक करना है, साइन अप पे जाना है। अगर आपके पास पहले से एक डोमेन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, या इसको सेटअप बाद में भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्रिएट माई डोमेन लेटर यहाँ पे जाऊँगा, और जैसे मैं क्रिएट माई डोमेन लेटर पे जाऊँगा तो मेरे पास एक अलग से एक ऑप्शन आ जाएगा, जो कि मेरे को वहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। और उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा आपको जो भी डिटेल्स वगैरह, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिखना पड़ता है। एंड उसके बाद देखो जो भी है आपको, जब भी आप फिलअप कर लेते हो तो उसके बाद आपको जो भी पैकेज का इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है। एंड देखो हमने यहाँ पे चॉइस प्लस लेके रखा हुआ है, 36 मंथ का प्लान है जो कि हमको यहाँ पे मिल रहा है 279 मंथ में। एंड हमारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो 12 मंथ का भी 24 मंथ का भी, बट यहाँ पे आपको थोड़ा हाई प्राइस पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ तो 279 का देखो, यहाँ पे अगर आप 429 पर मंथ यहाँ पे अगर 12 मंथ का लेते हो तो आपको थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा। एंड आपको कॉस्ट आएगा यहाँ पे 5148 रुपीज़ का। एंड अगर आप 36 मंथ पे जाते हो तो देखो आपको 279 पर मंथ में मिल जाएगा, जो कि 10,000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा 36 मंथ के लिए, जो कि आपका पैसा सेव होगा। यहाँ पे देख ही सकते हो कितना सेविंग हो रहा है आपका। एंड अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे 12 मंथ का प्लान पे भी आप जा सकते हो, आपके ऊपर है। एंड ये था यहाँ पे जो ब्लू होस्ट का है। एंड ब्लू होस्ट यार बहुत लोग यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। एंड वेयर अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे जो वर्डप्रेस भी है खुद भी रिकमेंड करता है, मैं नहीं बोलता, ये वर्डप्रेस भी रिकमेंड करता है। एंड देखो फाइनली अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे होस्टिंगर को लेके, एंड देखो यहाँ पे ब्लू होस्ट के शेयर होस्टिंग को लेके, तो देखो अगर आपका बजट बहुत ही कम है, मतलब 2 से 3 हज़ार के बजट का आपका अगर बजट है, तो आप होस्टिंगर आराम से जा सकते हो। बट अगर आप एक्सपेंड कर सकते हो, थोड़ा पैसा आपको चाहिए कि हाँ मेरे को ब्लू होस्ट पे जाना है, तो आप ब्लू होस्ट पे भी जा सकते हो, पर थोड़ा महंगा है। बट सर्विस इनका भी तगड़ा है, एंड ब्लू होस्ट का भी तगड़ा है, एंड यहाँ पे होस्टिंगर का भी तगड़ा है। आपके ऊपर होता है, आपके बजट के ऊपर होता है कि आपको कौन सा लेना है। आप होस्टिंगर पे भी जा सकते हो, ब्लू होस्ट पे भी जा सकते हो। देखो मेरा ये रिकमेंड रहता है कि आपके पास बजट कम है 2 से 3 हज़ार, तो आप जाओ होस्टिंगर के पास। अगर बजट ज़्यादा है तो ब्लू होस्ट के पास आप जा सकते हो। एंड अगर ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप बता सकते हो कमेंट में, और जो भी बाइंग लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अच्छा लगा वीडियो तो आप कर सकते हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय।